तो अगर आप एक जो है लग्जरी स्मार्ट वॉच लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो बोल्ट के तरफ से आने वाली स्टैनिंग प्रो स्मार्ट वॉच को अपनी लिस्ट में जरूर से रख सकते हैं, क्योंकि ये वाली वॉच आपको लग्जरी फील तो कराता ही है, साथ में इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल जाता है। इसके अलावा वर्किंग क्राउन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और IP68 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो अगर आप इसके ऊपर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैंने जो है डिटेल में इसका रिव्यू किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें बॉक्स की, तो यहाँ पे बोल्ट लिखा हुआ है स्टर्लिंग प्रो और नीचे में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो ये तो हमारे लिए प्राउड वाली बात है। तो बॉक्स को ओपन करते ही आपको जो है एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। इसके अंदर आपको जो है एक साल की वारंटी तो मिलती है, साथ में जो है आप 3 मंथ के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि टोटल आपको जो है 15 मंथ का वारंटी मिल जाता है। उसके अलावा एक यूजर मैनुअल और यहाँ पे हमारा वॉच रखा हुआ है। उससे पहले हम जो है यहाँ पे एसेसरीज बॉक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जो है एक चार्जिंग केबल मिल जाता है, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल यहाँ पे दिया गया है। साथ में एक जो है इसके स्ट्रैप को जो है एडजस्ट करने के लिए टूल मिल जाता है, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने रेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रखा हुआ है हमारा वॉच। तो सबसे पहले तो हम इसके रैपर को हटा लेते हैं और डिस्प्ले के ऊपर भी एक प्लास्टिक लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आ गया बोल्ट। तो सबसे पहले अगर बात करें इसको जो है लुक एंड डिजाइन की, तो यहाँ पे जैसे ही आप हाथ पे लेंगे ना, तो आपको जो है एक लग्जरी फील आएगा। और इसकी स्ट्रैप की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है मेटलिक स्ट्रैप देखने को मिलता है। इसके अलावा आप स्ट्रैप को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे पिन वाला सिस्टम दिया गया है। और ऊपर के साइड डिस्प्ले की तरफ आप देखेंगे तो एक जो है रिंग जैसा बना हुआ है, इसके वजह से भाई इसका लुक जो है ना काफी अच्छा लग रहा है, हल्का जो है गोल्डन कलर में आपको जो है देखने को मिलता है। ये जो है जिंक एलॉय का बना हुआ है। और इसका जो फ्रेम की अगर बात करें तो ये जो है पूरा ही आपको जो है पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको जो है काफी सॉलिड देखने को मिलता है। पर यहाँ पे आपको जो है सॉलिड तो मिलता है, बट वॉच को ना बहुत ज्यादा लाइट वेट रखा गया है, तो आपको जो हैवी फील नहीं होगा। तो इसको एक बार जो है वेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 92 ग्राम जो है शो कर रहा है। और राइट साइड में आपको जो है 2 बटन देखने को मिलता है, एक क्राउन बटन है जो की वर्किंग क्राउन है, मैंने जो है शुरू में ही आपको बताया है। तो यहाँ से जो है आप वॉच फेसेस वगैरह को चेंज कर पाएंगे। और नीचे की तरफ आपको जो एक फंक्शन बटन दिया गया है, जिससे जो है आप स्पोर्ट मोड को ऑन कर सकते हैं, या फिर इसके जगह जो है आप कस्टमाइज करके दूसरा फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो है एक मेटल से बना हुआ है, यहाँ पे बोल्ट लिखा हुआ है, और इसके वजह से जो है भाई इसका लुक भी काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, तो यहाँ पे भाई माइक और स्पीकर भी आपको इनबिल्ट मिल जाता है। तो अगर हम बात करें इसके जो है डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको जो है 1.43 इंच का जो है एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और 466 का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन के साथ आता है और 800 nits का जो है पीक ब्राइट भी इसके अंदर दिया गया है। तो अगर आप इसको जो है धूप में यूज करेंगे ना ब्राइटनेस को फुल करके, तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, काफी अच्छा व्यू मिल जाता है आउटडोर पर भी। तो अगर हम बात करें इसको जो है वॉच UI की, तो यहाँ पे भाई एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से ना यहाँ पे आपको जो है UI का जो है टेक्स्ट वगैरह ना काफी क्लियर दिखता है और यहाँ पे भाई कलर भी काफी अच्छा आता है। तो जैसे ही आप जो है क्राउन बटन को एक बार प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है मेन्यू जो है सामने में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्टिविटी डेटा देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको स्पोर्ट मोड और यहाँ पे जो है फोन डायल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से जो है आप डायल कर सकते हैं और कुछ कॉन्टेक्ट नंबर को आप जो है वॉच में भी सेव करके रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है रिसेंट कॉल भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको जो है मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो है म्यूजिक का ऑप्शन दिया गया है और म्यूजिक का सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगा भाई, यहाँ पे जो है आप वॉच में म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं, आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, सॉन्ग को बैक कर सकते हैं। उसके अलावा आप वॉल्यूम भी कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि भाई आप जो है म्यूजिक सुनेंगे कभी वॉच में। मैं तो भाई इतने सारे वॉच यूज किया हूँ, बट मैं कभी भी जो है वॉच में म्यूजिक नहीं सुना है। तो यहाँ पे भाई आप अगर कहीं पर फोन को रख के म्यूजिक सुन रहे हैं ना, तो आप जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज मुझे जो है अच्छी लगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है बोल्ट हेल्थ का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से जो है आप हार्ट रेट को चेक कर सकते हैं, ब्लड ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर वगैरह, स्लीप मॉनिटरिंग भी आप देख सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ हार्ट रेट को। तो यहाँ पे हार्ट रेट दिखा रहा है 84 हमारे स्मार्ट वॉच में और ऑक्सीमीटर में दिखा रहा है 94। और यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, ऑक्सीमीटर में 97 के आसपास आ रहा है और वॉच में 97% और 98% आ रहा है। तो यहाँ पे भाई सेंसर काफी अच्छे से वर्क करता है, 90% तक का जो है आपको एक्यूरेसी रेट देखने को मिल जाता है। हालांकि आप जो एक आइडिया के लिए वॉच को यूज कर सकते हैं, मेडिकल पर्पस के लिए आप जो है वॉच को बिल्कुल यूज मत करिएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर हमको और क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ से जो है अलार्म वगैरह लगा सकते हैं, स्पॉट वॉच, और यहाँ पे जो है वॉइस असिस्ट भी
दिए गए हैं, तो यहाँ से जो है आप ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा वेदर का ऑप्शन देखने को मिलता है, फाइंड फोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना फाइंड फोन में, तो यहाँ पे जो है आपके मोबाइल जो है वाइब्रेट करने लगता है और एक जो है रिंग बजने लगता है। तो कई बार क्या होता है, मोबाइल को जो है कहीं तकिया वगैरह में या बिस्तर के नीचे रख के जो है भूल जाते हैं, तो यहाँ से जो है आप फाइंड कर सकते हैं अपने मोबाइल को, हालांकि आपको जो है मोबाइल से कनेक्ट होना चाहिए वॉच। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से जो है मेन्यू स्टाइल भी आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है चार मेन्यू स्टाइल देखने को मिलता है अलग अलग टाइप का। नेक्स्ट हमको डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से जो है वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं। ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीन टाइम भी आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप 30 सेकंड कर देते हैं तो 30 सेकंड तक के लिए आपका वॉच जो है ऑन रहेगा। नेक्स्ट आपको जो है रेस्ट टू वेक फीचर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहां से जो है आप उसका भी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। और इसको भी एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, ओके फास्ट है। और यहाँ पे एयर्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे जो है आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जो है ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक। तो मुझे तो भाई एनालॉग क्लॉक हमेशा ही पसंद है, तो मैं जो है इसको ऑन कर देता हूँ। उसके अलावा अगर आप जो है ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो है कुछ शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है बैटरी परसेंटेज वगैरह भी शो होता है, और बैटरी सेविंग मोड भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे लेफ्ट से राइट करने पर यहाँ पे डायल पैड आ जाता है। उसके अलावा हेल्थ फीचर्स वगैरह, यहाँ पे जो है म्यूजिक कंट्रोल। उसके अलावा अगर आपको जो है कुछ ऐड करना है यहाँ पे शॉर्टकट पे, तो आप जो है कर सकते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन शो करेगा। और लास्ट में आपको जो है ऐप डाउनलोड करने के लिए QR कोड मिल जाता है, तो इसको जो है स्कैन करके आपको जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। बोल्ट ट्रैकर करके ऐप आता है प्ले स्टोर में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो है पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो इसको जो है मैं कनेक्ट कर लेता हूं। तो कनेक्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर आपको जो है सिंगल चिप मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो कई लोगों को तो भाई पता होगा सिंगल चिप क्या होता है, और जिनको नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं ना, ऐप से डायरेक्टली जो है आपका वॉच कनेक्ट हो जाता है, और अलग से आपको जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जिस स्मार्ट वॉच में सिंगल चिप नहीं होता है ना, तो वहां पे जो है आपको ऐप से भी कनेक्ट करना पड़ता है, और अलग से आपको जो है ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका स्मार्ट वॉच जो है कनेक्ट होता है मोबाइल से। तो यहाँ पे मेरा स्मार्ट वॉच जो है कनेक्ट हो गया है वॉच के साथ। तो इसके ऐप में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, होम, डिवाइस और मी करके। तो यहाँ पे जैसे आप डिवाइस वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन करके आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप जो है सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जैसे मैसेज रिमाइंडर, कॉल रिमाइंडर और नोटिफिकेशन वगैरह सारा यहाँ से ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है डायल लाइब्रेरी का ऑप्शन, तो यहाँ से जो है आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 250 प्लस वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है, और ऐसा नहीं भाई कुछ भी वॉलपेपर आपको दिया गया है, बहुत ही अच्छा अच्छा वॉलपेपर आपको जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है आप डाउनलोड करके अपने वॉच में लगा सकते हैं। और अगर आपको जो है कस्टम वॉलपेपर लगाना है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पेन वाला। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से जो है आप सेलेक्ट करके जो है, या तो आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से जो है वॉलपेपर लगा सकते हैं, या फिर आप जो है गैलरी से कोई भी फोटो उठा के अपने वॉच में लगा सकते हैं। और यहाँ पे भाई बहुत ही फास्ट अपलोड हो जाता है, और पिक्चर क्वालिटी भी जो है काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो भाई कॉलिंग वॉच है, तो कॉल लगा के देख लेते हैं इसके साउंड क्वालिटी कैसा है। तो यहाँ पे भाई रिंग हो रहा है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। कॉल तो भाई उठा नहीं रहा है, स्पीकर तो लाउड है, काफी अच्छा सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे भाई रिटर्न कॉल आ रहा है, तो चलिए उठा के देख लेते हैं। हेलो, हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, मेरा साउंड कैसा आ रहा है? क्लियर है आपका? क्लियर है, लाउड है? हाँ, लाउड है। अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? हाँ, मैंने कॉल किया था, उठाए नहीं तुम। हाँ, चार्ज में था ना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, अच्छा है स्पीकर इसका, मैंने वॉच से लगाया है एक्चुअली। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा से सामने बैठी हूँ। हाँ आ रहा है, अच्छे से सुनाई दे रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, चलो हाँ। तो यहाँ पे भाई आपको कॉलिंग लाउड मिलता है, काफी क्लियर साउंड सुनाई देता है। इसके अलावा आप जो है कॉलिंग को शिफ्ट भी कर पाएंगे मोबाइल में, वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और साउंड को भी आप जो है कम ज्यादा कर सकते हैं डायरेक्ट वॉच से। तो एंड में भाई इसके जो है प्राइसिंग की अगर बात करें, तो अभी बोट और फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में आपको जो है ये 2499 रुपए में देखने को मिल जाता है। आगे चल के जो है इसका प्राइस जो है 3000 रुपए होने वाला है। और इस प्राइस सेगमेंट में भाई आपको जो है एक लग्जरी वॉच मिल रही है, जो की बोट प्रोवाइड कर रही है, अदर ब्रांड में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।